My character in the film is of a gangster. I'm called Shetty, and it's quite a colorful character. And I'm, for me, a great moment happened because I acted with Nazir Saab. So that was the high point of everything. मिथ्या ऐसा है, बड़े बड़े लोग कह गए हैं, साधु संतों ने भी कहा है कि जीवन मिथ्या है. मिथ्या का मतलब होता है इट्स अ लाई, तो झूठ और मिथ्या, जीवन मिथ्या है और मिथ्या ही सच है. तब आप ये फैसला कर लीजिए कि आपको क्या मानना है उसमें से. तो जैसे कि आपने बताया कि मिथ्या का मतलब झूठ, तो आपके लाइफ में आपने सबसे बड़ा झूठ कहाँ बोला था? मैंने जो सबसे बड़ा झूठ बोला था उस पर मैंने फिल्म बनाई है अभी, जो कि प्लान मैन के साथ ही है. इट्स कॉल्ड आई एम 24. ओके, तो उसमें कौन कौन देखने को मिलेगा? उसमें रजत कपूर, रणवीर चोरी, नेहा धूपिया, मंजरी, विजय राज और दिलीप दुबे, डनलास पॉल, और एक छोटे से रोल में मैं भी दिखूंगा आपको. बस छोटे से रोल में? बहुत छोटे से रोल में. डायरेक्टर को कभी रोल करना नहीं चाहिए अपनी फिल्म में. ओके, और इसमें काम करते हुए आपको रणवीर, मैंने बहुत मज़ा आया बिकॉज दे आर लाइक दे आर one of the closest friends I have. तो आगे भी आप इनके साथ काम करना पसंद करेंगे? ज़रूर, इनके साथ भी और औरों के साथ भी. मैं और भी दोस्त बनाना चाहूँगा. नए एक्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नए एक्टर्स जो भी अच्छे हैं वो अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, वो उनको अपनी जगह मिल ही जाती है. देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्मों की तरफ एक्टर्स रुक कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब मैंने भोजपुरी फिल्में देखी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की फिल्म हो, किसी भी लैंग्वेज में फिल्म हो, अगर फिल्म अच्छी करने को लोगों को मिल रही है तो इट्स अ ग्रेट साइन. I'm sure that I'm the wrong person to answer this because if there is economics attached to it, तो उसका जवाब मैं दे नहीं सकता कि भोजपुरी फिल्मों का क्या economic status है इस वक्त. मेरे ख्याल से I think it's a very lucrative market right now. That's why everybody is moving towards that. So best of luck for you. Thank you. I'm 24. Thank you.